म्यूजिक हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बताऊंगा कि इस तरह का होली स्टेडियम हम कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। इसमें अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या ये फ़ोटो भी लगा सकते बना सकते हैं आप। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इसलिए हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में जितने भी मटेरियल की आवश्यकता होगी सबकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो चैनल को ज्वाइन कर लें। तो हम अपने अलाइन मोशन ऐप को ओपन करेंगे, वो प्रोजेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर न्यू हिंदी होली सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट होगा, इसको हम ओपन कर लेंगे। इस बीटमार्क प्रोजेक्ट की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप इनपुट कर लेना इसके अंदर वहाँ पर क्लिक करके। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से हमारा सॉन्ग आ जाएगा जिस पर बीटमार्क लगा होगा। तो इसके नीचे कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, तो इन नंबर के हिसाब से हम इफेक्ट लगा देंगे। तो चलो शुरू में आते हैं और अब प्लस वाले आइकन पे क्लिकेंगे, मीडिया पे जाएंगे और हम इमेज ले लेते हैं। तो इन इमेज की लिंक, इन सब इमेज को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो हम एक एक इमेज ले लेते हैं। इमेज लेंगे, इमेज लेने के बाद इसको फिल स्क्रीन के, तो प्लस वाले आइकन के लिए मीडिया में जाएंगे, इमेज लेंगे, इमेज लेने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, फिल इन एरिया करेंगे और इसके अगले वाले बिटमार्क पर जाकर लेफ्ट राइट क्लिक कर देंगे, कट कर देंगे बेस्ट पार्ट को। वापस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे, सेकंड इमेज ले लेंगे, फिल इन एरिया करेंगे और बेस्ट पार्ट को कट कर देंगे। इस तरीके से हम सभी इमेज को ले लेंगे। वापस प्लस वाला आइकन पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल इन स्क्रीन करेंगे और बेस्ट पार्ट को कट कर देंगे। इस तरीके से मैं सभी इमेज ले लेता हूँ, तो आप भी ले लेना। तो मैं ले लेता हूँ जल्दी जल्दी सभी इमेज। ये हमारे जितनी सेकंड का आप वीडियो बनाना चाहिए उतने सेकंड का आप बना सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ इमेज, प्लस वाला आइकन के लिए मीडिया पे जाएंगे और इमेज लेके कट कर देंगे। तो मैंने इमेज सारी एक साथ में ले ली थी, तो इनको एडजस्ट कराऊँ, आप भी एडजस्ट कर लेना इस तरीके से, ठीक है। तो एडजस्ट कर लिए मैंने, इस तरीके से एडजस्ट कर लिए मैंने सारी इमेज को। एडजस्ट करने के बाद अब इसमें हम इफेक्ट लगाएं, यह एंड वाली इमेज है। तो इस तरीके से हमने सारी इमेज लगा दी। शुरू में आकर देख, थोड़ा जूम आउट करके बता देता हूँ। तो ये हमारी सारी इमेज इस तरीके से हमने ऐड कर ली, तो आप भी इस तरीके से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद हम शुरू में आएंगे, वीडियो शुरू में आने के बाद अब इसमें हम इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए हम इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा। ये फर्स्ट नंबर एक नंबर लिख रखा, तो हम यहाँ पर एक नंबर वाला इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए इसका भी मैं बीटमार्क प्रोजेक्ट आपकी लिंक इफेक्ट से इफेक्ट का प्रोजेक्ट में लिंक में अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप ले लेना। तो यहाँ पर न्यू स्टाइल इफेक्ट करके दिया होगा उसको आप ले लेना। तो इस यहाँ पर 7 इफेक्ट हैं, तो मैं इफेक्ट बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 इफेक्ट हम इस वाले वीडियो में ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट में हमें एक नंबर वाले इफेक्ट को कॉपी करना है, तो लेंथ पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। इफेक्ट करने के बाद वापस हम हमारे प्रोजेक्ट पर आएंगे। प्रोजेक्ट पर आने के बाद वापस उस जिस प्रोजेक्ट को हम बना रहे थे उस पर जाएंगे। जाने के बाद अब इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाने के बाद हम एक नंबर देख लेते हैं। तो नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पर ये एक नंबर है। तो इसके ऊपर वाले इस वाले फ़ोटो हम करें, तो फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और पेस्ट पे कर देंगे। इसी तरीके से अब सेकंड फ़ोटो है, तो सेकंड लेयर पर 2 नंबर वाले इफेक्ट, तो बैग आएंगे वापस इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ से सेकंड नंबर वाला इफेक्ट कॉपी करेंगे। तो फोटो पर जाएंगे, इफेक्ट में जाएंगे, थ्री डॉट पर क्लिकेंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट करने के बाद वापस बैग आएंगे, प्रोजेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लूँगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर लिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ, सेकंड नंबर लिख रहा है यहाँ पर। तो इस वाले फोटो पर टैप करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे, पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा इफेक्ट लग गया।
तो अब आ गया 3 नंबर वाला इफेक्ट। तो जितने भी फोटो हैं इन सब में, जितनी बड़ी 3 नंबर की लेंथ है, इस सब में फोटो में 3 नंबर वाला इफेक्ट लगाएंगे। तो बैक आएंगे, बैक आने के बाद इफेक्ट में जाएंगे हम वापस। तो हम बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर 3 नंबर वाला, 1, 2, 3 नंबर वाला इफेक्ट, इस सब इफेक्ट में जाएंगे। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे उसी प्रकार के जिस प्रकार से हम दोनों कर दें। तो वापस बैक आएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे और हम अब 3 नंबर वाला इफेक्ट पेस्ट करते हैं। तो जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो जहाँ से 3 नंबर वाला इफेक्ट लगाना है वहाँ तक चले जाएंगे। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो हमें 3 नंबर वाला इफेक्ट यहाँ से लगाना है, ये शुरुआत जाती है यहाँ से। हम 3 नंबर, तो इस इमेज पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। अब वापस अगले वाले इमेज पर जाएंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। वापस अगले वाले इमेज पर जाएंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। वापस अगले वाले इमेज पे जाएंगे, टैप करेंगे इमेज में, इफेक्ट में जाएंगे, 3 डॉट के ऊपर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। वापस अगले वाले इमेज पे जाएंगे और इस प्रकार हम सभी इमेज में लगा दें, पेस्ट कर देंगे इफेक्ट। इफेक्ट पेस्ट करने के बाद अब ये 4 नंबर वाले इफेक्ट है, या इसके बाद कौन सा ये थोड़ा जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर वाला इफेक्ट, तो बैग आएंगे और 4 नंबर वाले इफेक्ट को हम वापस वहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ से 1, 2, 3 ये 4 नंबर वाला, तो इसको यहाँ पर टैप करेंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, 3 डॉट पे जाकर कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। वापस बैग में आएंगे, प्रोजेक्ट में आएंगे और हमारे वाले प्रोजेक्ट में आके यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर 4 नंबर वाले इफेक्ट जहाँ पेस्ट करना वहाँ पर चले जाएंगे उस लेंथ के वहाँ। तो यहाँ पर 4 नंबर वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, तो हम इसको जूम कर लेंगे थोड़ा, तो हम क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ 4 नंबर वाला करना है, तो यहाँ पर इन दोनों फोटो पर हम 4 नंबर वाला पेस्ट करें। तो फोटो पर जाएंगे, 3 डॉट पर जाएंगे, पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। आपसे अगली इमेज पर टैप करेंगे और वापस इफेक्ट पर जाएंगे, 3 डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से वापस अगर 3 नंबर देखेगा लिख रखा है, तो इस 3 नंबर वाली लेंथ पे हम वही वाला 3 नंबर वाला इफेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो हम 5 वाले लेते हैं, तो वापस प्रोजेक्ट पर आएंगे और यहाँ से 5 नंबर वाला लेते हैं, 3, 4, 5 वाला। तो इसको यहाँ से इमेज पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, 3 डॉट पर जाके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। वापस बैक आएंगे, प्रोजेक्ट में आएंगे, आने के बाद वापस हमारे वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर 5 नंबर वाले इफेक्ट पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए वापस नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे, नीचे जाने के बाद यहाँ जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ जाएंगे। यहाँ 3 नंबर वाले पर वही वाला इफेक्ट लगाना है, तो 5 नंबर पर जाएंगे और इस वाले इमेज पर क्लिक करके इफेक्ट जाएंगे और 3 डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा 5 नंबर वाला लग गया। वापस 4 नंबर वाला उसी प्रकार लगा देना है, और 6 नंबर वाला, 6 नंबर वाला इसी प्रकार, 5 नंबर वाला। हम सभी इफेक्ट को वहाँ से कॉपी करके नंबर वाइज लगा देंगे, नंबर लिख रखा है, जितने नंबर का इफेक्ट ध्यान लगाना है वहाँ इसी प्रकार लगा देंगे। लगाने के बाद हम शुरू में आएंगे, तो ये एंड में 3 नंबर वाला इफेक्ट लगेगा। तो लगाने के बाद शुरू में आएंगे, शुरू में आने के बाद अब इस ये हमारा वीडियो बन के तैयार हो गया। इसमें आप अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं, तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए कोने में आइकन को तीर का उस पर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा और सेव कर लेंगे, गैलरी में सेव हो जाएगा।